बनाने वाली हूँ मालपुए। इसके लिए मैंने लिया है दूध, मैदा, चीनी, केला, किशमिश और सौंफ। सबसे पहले हम केले को छीलकर उसको मैश कर लेते हैं। केला पूरी तरीके से मैश हो चुका है, अब इसको एक साइड रख देते हैं और इसके बाद इसका बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल में हम मैदा डालेंगे, चीनी, किशमिश और सौंफ और इसको दूध के साथ में इसका एक घोल तैयार करेंगे। दूध को मैंने उबाल के ठंडा कर लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें इसका अच्छा सा बैटर बना लेते हैं। हमारा बैटर तैयार हो चुका है, इसमें मैंने आधा कप दूध लगाया है डाला है। अब इसमें केला मैश केला मिक्स कर देते हैं और साथ में इलायची पाउडर, इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए। तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए हम आधा कटोरी चीनी डाल रहे हैं और इतना ही पानी डालेंगे इसमें और इसकी एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। इसमें मैं 2-3 हूँ केवड़े की डाल रही हूँ, इससे हमारे मालपुए में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चाशनी हमसे रेडी हो चुकी है, ये देखिए, और हम इसको अलग कर लेते हैं। बनाने के लिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है और हमने इसको धीमी आंच पर रखा है, इसको फुल नहीं करना है अभी। हम इसको एक एक करके डालते हैं इसमें। इसे बिल्कुल धीरे से डालें और एक या दो दो ही डालें, नहीं तो आपस में चिपक जाएगा। ये अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ गया है और एक साइड से पक चुका है, इसको पलट देते हैं। चेंज हो जाएगा इसका, इसको निकाल लेंगे। बढ़िया से पक गया, इसको अलग कर लेते हैं। इसे हम बाकी के पूरे तैयार कर लेंगे। मालपुए बनके रेडी हो गए हैं, अब हम इनको चाशनी में डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए चाशनी बढ़िया से इसके अंदर भर गई, एकदम पस्ता हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं सभी मालपुए को। रस से भरे हुए मालपुए एकदम तैयार है, अब इसमें हम थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं, काजू डाल देंगे। आप इसको दही के साथ या रबड़ी के साथ खा सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया बनाया।